अब सीधा रुख करते हैं बीजापुर की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर। जी सतीश, बताइए कि बीजापुर में क्या कुछ तमाम खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीजापुर से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एक नक्सली कमांडर मृत्यु का खबर एक बहुत बड़ा खबर चल आ रहा है। और यह खबर अब गंगोलूर थाना क्षेत्र से आ रहा है, जहां पे यहां नक्सली बसंत हेमला नाम से जो था उर्फ रवि, ना जाने कितने अनगिनत नाम इनके होते हैं, उन सभी नामों का एक पर्यायवाची शब्द आता है बसंत हेमला, जो कि नक्सली कमांडर होने के साथ साथ बस्तर का क्षेत्र के हर पहलू को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से पहचानता था, और उसके मृत्यु की खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी घटना के अंजाम को देने में यह माहिर था, कई बड़े हमलों में यह शामिल हुआ करता था, कई बड़े चीजों में यह शामिल रहा है। बसंत हेमला जो रहा है, इसका नाम ही काफी था कि दहशत जो गर्दी जो फैलाया जाता है, दहशत किस तरह का नाम होता है, दहशत का नाम दूसरा नाम हेमंत हेमला का नाम से जाना जाता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो मृत्यु हुई है, ये काफी लंबे समय के बीमारी के बाद इसकी मृत्यु हुई है, और यह 3 मई 2023 की इसकी मृत्यु हुई है। जिस प्रकार का जो प्रेस रिलीज आया है मीडिया के सामने, नक्सलियों के द्वारा प्रेस रिलीज जो किया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बसंत हेमला जो है वो काफी लंबे समय से बीमार था, और इसके मृत्यु के बहुत बड़ा शोक और बहुत बड़ा दुख, गहरा सदमा पूरे नक्सली संगठन को पड़ा है। संगठन की बात करें तो संगठन में भी काफी ज्यादा एक्टिव मेंबर रहा है 1997 से लेकर के 2023 तक का। अभी तक ना जाने कितने ऐसे मुठभेड़, कितने ऐसे खौफनाक जगहों पे ये शामिल रहा है, और इतना लंबा समय इन्होंने जो है संगठन में काम किया है, संगठन में कई बड़े पद पर भी जा रहा है, और लास्ट जब बीमारी से पहले की बताऊं तो ये बीमारी से पहले जो है इसके हाथ में हथियारों का जखीरा हुआ करता था, मतलब टोटल हथियारों का जो जखीरा एक जो कैंपस हुआ करता था वहां का ये प्रभारी था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत इसके हाथ में थी कि ये पूरे के पूरी संगठन को जो है हथियार सप्लाई करता था, और ये हथियार जो है कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, ये पूरी सूचना जो है आगे से प्राप्त होती थी इनको, और ये सारी चीजों को खबर को जो है आगे फॉलो भी करता था। और जो संगठन में जितने प्रकार की कामें होती हैं, जिस प्रकार का फॉलोअप होता है, तो संगठन की भी बात बता दूं तो संगठन में जो कैटेगरियां होती हैं उनमें भी 3-4 प्प्रकार की कैटेगरियां हैं कि फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की जो लाइनअप होती है उसके अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बसंत हेमला जो है उसी लाइनअप में से एक कमांडर था, जिसमें से AIACI और PYOC मेंबर था ये, और सेंट्रल कमेटी मेंबर के रूप में ये वर्क भी करता रहा है, और काफी नामी नक्सलियों में से एक नक्सली जो था बसंत हेमला नाम से आता था। और इसका जो है देहांत होना, इसकी मृत्यु होना, कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जिस प्रकार का प्रेस रिलीज भी किया गया है उसमें साफ तौर पर जाहिर किया गया है नक्सलियों के द्वारा कि बहुत बड़ी जो है दुखद घटना हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नक्सलियों को। और मैं बताऊं आपको, जिस जगह से ये आता है, बस्तर का एक ऐसा क्षेत्र, बीजापुर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, नक्सलियों का पूरा संसार बैठा हुआ वहां पे है। मैं आपको बताऊं, तोड़का, तोरचोली, कैका, कमकानार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नक्सलियों का टोटल गढ़ है। हम भी काफी बार वहां पे गए हैं, हमसे भी काफी मुलाकात होने का प्रयास किया गया है, और हमने भी देखा है कि वो जो एक लाल आतंक का गढ़ जो होता है, लाल सीमा जो होता है, रेखा जो होता है, उस गढ़ में आने के बाद में एक अलग प्रकार का वहां का व्यवहार होता है, संचार होता है, और अलग तरह का वहां पे एक वातावरण भी शामिल होता है कि आप समझ में आ जाएगा कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं और किस प्रकार का वहां का वातावरण हो सकता है। जी जी, अगर बात करें कोरोना की, तो बीजापुर में क्या स्थिति है कोरोना की? बिल्कुल, मैं कोरोना के बारे में बता दूं, फिलहाल तो बीजापुर में कोरोना के कोई भी मामले अभी एक्टिव में नहीं है। सारे मामले जो बीच में जो मामले आए थे 13 और 18, वो सारे मामले जो है अभी ठीक हो चुके हैं, पूरे के पूरे लोग ठीक होने के बाद में क्वारंटाइन से बाहर हो चुके हैं और अपने अपने घरों पे जा चुके हैं।
मैं आपको बताऊं कि कोरोना के लिए यहाँ पे विशेष तौर पर जो देख रेख होनी है जिला अस्पताल के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा काफी मुस्तैदी के तहत में किया जा रहा है। कोई भी ऐसा बाहरी व्यक्ति जो कि कहीं दूर से कहीं से आ रहा है तो उसको तुरंत जो है उसके ऊपर में निगरानी रखी जा रही है, और साथ ही साथ में नगर पालिका इस पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है कि घर घर जाकर के जो सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे के दरमियान अगर कहीं से कुछ पता चल रहा है कि कोई ट्रेवल हिस्ट्री करके कहीं से आ रहा है तो उसके जो है क्वारंटाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अब बीजापुर जिले में इस प्रकार का कोई अभी तो खैर खबर नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रशासनिक तौर पर यहाँ बहुत ही मुस्तैदी और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बीजापुर अभी फिलहाल कोरोना से अछूता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सतीश।